हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस राजस्थान के प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जोरदार होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को मेरे प्यारे साथियों प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक धाकेड़ जी हैं, प्रदीप राजू चेनिया जी हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स लाइफ की बात हम अगर करें भाग्य श्री राजपुरोहित। नमस्कार नमस्कार, सभी साथियों का स्वागत, सभी मित्रों का अभिनंदन। सभी के सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। जय माता दी की। मनोहर सिंह जी, भाग्यश्री, नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ जी, अभी सुमन, नमस्कार, राम राम, खमा घणी। सभी साथियों को ढेर सारा मेरी तरफ से प्यार। एक बार सभी साथियों को बुला लीजिएगा, हमारा डेली का 5 बजे का शो जो है वो मेरे प्यारे साथियों अभी प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ जी, दीपक जी, प्रंजय, मोनिता सिंह, समी ठाकुर, कृतम चंद, निहाल नायक, विनोद कुमार और चंदन चौधरी, सभी साथियों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से मेरे प्यारे साथियों स्वागत करता हूं। तो जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम डेली इस शो में मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें करने वाले हैं। साथ ही साथ जल्दी ही आपके लिए जिला दर्शन जो है, जो अपने राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनका सभी का दर्शन मैं आपको जल्दी करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास को भी हम बारीकी से पढ़ ही रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को सफलता प्राप्त हो जाए। यही मेरी मंगल कामना आप सभी साथियों के लिए रहती हैं। इसी कड़ी में मित्रों, जैसा हमने पहले कल रणथंभौर के चौहान पढ़े थे, जहां के सबसे प्रतापी शासक हमीर देव चौहान थे, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आप लोगों ने, आप सभी मित्रों ने 300 का वादा कल मेरे साथ किया था, सो वो आज आपको नंबर यहाँ पर दिखाना जरूर है। शेयर कर दीजिएगा एक बार फिर से सभी मित्रों को, मैं कहना चाहता हूँ सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, शेयर जरूर कर देंगे। तो देखिएगा, आज का जो सेशन रहने वाला है काफी बड़ा महत्वपूर्ण है। जालौर की भूमि की बात करेंगे हम, अर्थात जालौर के जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे कानरदेव चौहान, उनके बारे में साथियों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। खम्मा घणी, राम राम सा, शेयर कर दो, मामला सेट कर दो, लाइक कर दो, फिर शुरुआत करते हैं। और चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे जालौर के सबसे प्रतापी शासक जो हुए मेरे प्यारे बच्चों, जिनका नाम आता है कानरदेव चौहान, जिनका रूलिंग पीरियड आप देख पा रहे होंगे 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक इनके द्वारा क्या किया गया था, शासन किया गया था। और आपको ये तो पता होगा, नहीं पता है तो मैं आज आपको बताता हूं। बात हम अगर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, जो जालौर के चौहान आते हैं उनको ये तो पता ही होगा आपको कि इन्हें सोनग्रा चौहान कहा जाता है। और इसी जालौर वाले क्षेत्र की बात अगर की जाएगी तो जालौर का प्राचीन नाम जो है ये महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इसका प्राचीन नाम क्या था? जाबालेपुर। क्या नाम बताया मैंने? महर्षि जाबाली की कर्म भूमि होने के कारण इस जालौर वाले क्षेत्र का प्राचीन नाम जालौर हमें आपके जाबालीपुर देखने को मिलता है। लेकिन अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इसका वर्तमान नाम जालौर कैसे पड़ गया। तो बच्चों, आपको मैं अगर बताऊं, इसी क्षेत्र में एक वृक्ष जो है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और इस वृक्ष का नाम आता है जी आपके जाल वृक्ष। क्या नाम बताया? जाल वृक्ष की अधिकता हो जाने के कारण इस क्षेत्र का वर्तमान नाम क्या पड़ गया? जालौर। अब यहां पर जो चौहान वंश की स्थापना जो की गई थी वह तो 1181 ईस्वी में ही हो गई थी और चौहान डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं उनका नाम कीर्तिपाल चौहान आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बात अगर की जाएगी यहां के सबसे प्रतापी शासक जो है, जहां से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, उनका नाम क्या था? कानरदेव चौहान यहाँ के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं, मैंने ये कहा 1181 ईस्वी की बात हमने की है, 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान के द्वारा यहाँ पर चौहान डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया गया था और ये इसके फाउंडर हैं यहाँ पर। और जो जालौर के चौहान है इन्हें सोनग्रा चौहान कहा जाता है, जिनकी कुलदेवी की बात अगर की जाएगी तो इनकी कुलदेवी मेरे प्यारे साथियों आती है कौन सी माता? आशापुरा माता। कौन सी माता है? आशापुरा माता। ध्यान देने लायक बात यहां पर यह है, अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछता है कि सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है, तब तो आपका आंसर आ जाएगा आशापुरा माता। लेकिन अगर एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों आपसे ऐसा पूछा जा रहा है, सीधा ही प्रश्न पूछा जा रहा है चौहानों की कुलदेवी कौन सी माता है, तब हमारा आंसर अलग होगा,
अगला टॉपिक मैं आपको अजमेर के चौहान पढ़ाऊंगा या सांबर के चौहानों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहां से आपको आइडिया लगेगा कि सांबर के चौहानों की कुलदेवी तो शाकंभरी माता, जबकि सोनगढ़ चौहानों की कुलदेवी जो है इनका नाम क्या है, आशापुरा माता। एक बार फटाक से शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ के सबसे प्रतापी शासक जिनका नाम क्या है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे हम आपके कानड़ देव चौहान। जिस प्रकार जालोर में हमीर देव चौहान प्रतापी शासक हुए, ठीक इसी समय अपने जालोर के सबसे प्रतापी शासक मेरे प्यारे बच्चों कौन हुए थे, कानड़ देव चौहान, और इनके समकालीन। क्यों? क्योंकि इनका रूलिंग पीरियड 1305 में प्रारंभ हुआ, इनका राज्याभिषेक 1305 में हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसी समय अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में आपको पता होगा शासन अलाउद्दीन खिलजी का चल रहा था, और अलाउद्दीन खिलजी का रूलिंग पीरियड जो है ये आपका आता है 1296 टू 1316, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन अलाउद्दीन खिलजी का था। तो ये एक दूसरे के कंटेम्परेरी रूलर हो गए, अर्थात ये एक दूसरे के क्या हो गए हैं, समकालीन शासक। अब इनके मध्य आपस में संघर्ष क्यों हुआ, उस संघर्ष के पीछे रीजन क्या रहा, ये सारी जानकारी हमें मेरे प्यारे साथियों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में प्राप्त करनी है। तो जो बेसिक सी बात मैंने आपको अभी तक बताई है, मैंने ये कहा जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1181, फाउंडर कीर्तिपाल चौहान, लेकिन यहां के सबसे प्रतापी शासक कौन, कानड़ देव चौहान, जिनके कंटेम्परेरी दिल्ली सल्तनत के रूलर की बात हम अगर करें, दिल्ली के समकालीन शासक की बात हम अगर करें, नाम क्या, अलाउद्दीन खिलजी। मामला यहां तक सेट अगर हो गया है तो एक बार थम्स अप करके आप मुझे बता दीजिएगा कि हां जी यहां तक जो बेसिक बात हमने की है वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। जी पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे, चिंता नहीं करेंगे जी अशोक देरी जी, ठीक है क्या? अरे यहां तक मामला सेट हो गया क्या, फटाक से जल्दी थम्स अप करके बताओ, लाइक कर दो सभी के सभी, और एक बार फिर से सभी के सभी शेयर कर दो बस, है ना। जो वचन आप लोगों ने कल किया था, ये मेहनत जो की जा रही है, सब प्रयास जो आपके लिए जो किए जा रहे हैं, सब आपके लिए किए जा रहे हैं, आपको सफलता दिलाने के लिए किए जा रहे हैं। इस राजस्थान हिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको किसी भी प्रकार की राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान जिला दर्शन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या मैं आने नहीं दूंगा। और एक बड़ा सरप्राइज आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं, और हो सकता है जल्दी अनाउंस की जाए, आपके लिए एक मैराथन क्लास भी मैं प्लान कर रहा हूं, ताकि जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपको करवा दिए जाएं। जी चलेंगे आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात अगर की जाएगी, मैंने आपको अब तक बताया कि जालोर के सबसे प्रतापी शासक कौन है, द मोस्ट प्रोलिफिक रूलर ऑफ जालोर इज कानड़ देव चौहान, हुज कंटेम्पररी वाज अलाउद्दीन खिलजी द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के ये समकालीन थे। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे लोगों, बात अगर की जाएगी आपके यहां पर, ये मैं लिख देता हूं यहां पर जालोर, और जालोर में अगर हम चर्चा करेंगे जो शासक आते हैं आपके कानड़देव से पहले, इनका नाम आता है आपके सामंत सिंह। क्या नाम बताया? जालोर के राजा कौन है? सामंत सिंह। और इन्हीं सामंत सिंह के पुत्र की बात अगर हम करेंगे तो इनके पुत्र का नाम आता है साथियों आपके कानड़ देव चौहान। क्या नाम बताया है? कानड़ देव चौहान। और इसी समय दिल्ली का राजा बना था 1296 ईस्वी में, वो कौन बना था? तब आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी बन गया था। तो सामंत सिंह वृद्ध हो चुके थे और इनके बेटे ज्येष्ठ पुत्र कानड़देव चौहान हैं। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत में शासक अलाउद्दीन खिलजी बना, दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही शासक बना, इधर सामंत सिंह ने, किसने, सामंत सिंह ने अपने बेटे कानड़देव को कहा, बेटा कानड़देव अब देख मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे से ये प्रशासन वाली जिम्मेदारी अब नहीं उठाई जाती है मेरे बच्चा, तो तू एक काम कर बेटा, जालोर के प्रशासन की जिम्मेदारी मैं तेरे को सौंपता हूं। कब सौंप दी भाई? जिस समय दिल्ली का राजा अलाउद्दीन खिलजी बना है उसी समय प्रशासन की जिम्मेदारी 1296 ईस्वी में यहां पर किसको प्राप्त हो जाती है? कानड़ देव चौहान को हो जाती है। हालांकि इनका राज्याभिषेक तो मैंने आपको कहा है 1305 में हुआ था, इनका रूलिंग पीरियड वैसे 1305 से लेकर 1311 है, लेकिन इनको शासन प्रभार की जिम्मेदारी 1296 ईस्वी में ही
ही प्राप्त हो जाती है। क्लियर है क्या? मैंने आपको यही तो बताया है, इन 1296 एडी जालोर रूलर सामंत सिंह हैंडेड ओवर द रेंस ऑफ जालोर टू हिज वर्थी सन कानड़देव चौहान। इसने अपने योग्य पुत्र आपके कानड़देव चौहान को जालोर के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो इसका मतलब जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का राजा बन गया है तो यहां पर जालोर में शासन प्रभार की जिम्मेदारी जो है वह मिल गई है कानड़देव चौहान को। आइए जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिएगा, बात हम अगर करेंगे, एक कहानी अपने को यहां पर देखने को मिलती है कि आखिरकार वे रीजन क्या रहे, वे कारण क्या रहे जिसके कारण इन दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, वो मैं आपको बात मेरे प्यारे बच्चों अभी बताने वाला हूं। देखिएगा, इधर एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है कानड़देव प्रबंध। अकॉर्डिंग टू कानड़देव प्रबंध की बात हम अगर करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसका लेखक कौन था? आप कहेंगे सर इसका लेखक था पद्मनाभ। क्या नाम है? राइटर कौन है भैया इसका? पद्मनाभ। इसी बार आपके आरपीएससी सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से ये पूछा गया था, कानड़देव प्रबंध का लेखक कौन था? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या था? पद्मनाभ की पुस्तक आती है। अब इसमें यह लिखा गया है, क्या लिखा गया है ये मैंने आपके सामने बनाने का प्रयास किया, समझाने के लिए बना है, ठीक है ना? समझाने के लिए मैंने राजस्थान का नक्शा बनाया, इधर मैंने लिख दिया दिल्ली, और मेरे प्यारे साथियों दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और इधर मैंने लिख दिया जालोर, और जालोर के शासन प्रभार की जिम्मेदारी किसके पास में? कानड़देव के पास। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है ये जाना चाहती है आपके कहां पर? गुजरात आक्रमण के लिए। कहां पर? गुजरात अटैक करने के लिए। और इधर मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे साथियों आपके चित्तौड़ अर्थात अपना मेवाड़ वाला क्षेत्र। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात जाएगी तो गुजरात जाने के लिए या तो वे मेवाड़ से होकर के गुजरात जाएं, या मेवाड़ से नहीं जाते हैं तो जालोर के रास्ते से उनको कहां जाना पड़ेगा? गुजरात जाना पड़ेगा। मतलब इन दोनों राज्यों में से या तो चित्तौड़ या फिर जालोर, इन दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य में से होकर अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरना ही पड़ेगा। तो अलग अलग मत अलग अलग इतिहासकारों के आते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया है अकॉर्डिंग टू कानड़देव प्रबंध, अगर हम बात करें कानड़देव प्रबंध के अनुसार ये लिखा है कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी है ये सेना जब गुजरात जा रही थी तो गुजरात जाने के लिए रास्ता मांगा कि साहब हमारी सेना गुजरात जा रही है, क्या आपके जालोर के क्षेत्र में से होकर के जा सकती है क्या? तब कानड़देव ने कहा बिल्कुल नहीं जा सकती साहब, बिल्कुल नहीं जा सकती, ठीक है ना? हाँ, क्या कह रहे हैं अशोक भाई, सिंगोदड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर आजा से सारे नोट्स यहीं बनते हैं भाई। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? बहुत बहुत बढ़िया, सवाई माधोपुर से हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं, ये नोट्स वोट्स सब कुछ आप साथ साथ में छाप भी तो सकते हो बच्चों, टेंशन क्यों लेते हो, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लाइक शेयर करते रहो बस, आप मामला सेट आपका करने के लिए मैं अब आ गया हूँ। अब देखिएगा मैंने क्या कहा है, मैंने एक रास्ता देने से मना कर दिया गया भैया। किसको मना कर दिया गया? ये मेरे प्यारे बच्चों कानड़देव प्रबंध में ये लिखा है, कानड़देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरात जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, ठीक है क्या? ये एक कारण रहा जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी जो है वह जालोर पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अन्य इतिहासकारों के मान अगर हम चर्चा करें तो गुजरात अभियान से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वह जालोर के रास्ते कहां जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। एक मिनट में यहां पर इसको थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं वापस से। कैसे? तो देखिएगा मेरे बच्चा, मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये कहा ये कानड़देव प्रबंध तो ये कह रहा है कि जाने के लिए रास्ता मांगा था लेकिन दिया नहीं गया, जबकि हमने कुछ इतिहासकारों के अनुसार बात की कि गुजरात से जैसे ही ये जालोर मतलब जब वापस दिल्ली जाएंगे तो ये जालोर के रास्ते से ही होकर के वापस कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। और आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा सोमनाथ के मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था, और सोमनाथ के खंडित मूर्ति को लेकर के वापस कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तब आपके जो जालोर के शासक आते हैं कानड़देव चौहान, इनके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को रोक लिया गया, आक्रमण कर दिया गया, और जो सोमनाथ की जो खंडित मूर्ति आती है वह मेरे प्यारे साथियों किसने छीन ली? ये कानड़देव ने छीन ली।
देखिएगा, फर्क समझने का प्रयास कीजिएगा। कानडे प्रबंध के अनुसार तो ये कहा गया जाते समय रास्ता मांगा गया, लेकिन कानडदेव ने रास्ता नहीं दिया। जबकि अन्य इतिहासकार ये कहते हैं कि जाते समय तो सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना चित्तौड़ से होके गई, और जब ये वापस लौट रहे थे तो इन्होंने जालोर के रास्ते का चुनाव किया, और जालोर के राजा कानडदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। मैंने ये कहा मेरे प्यारे साथियों, विच वॉज अटैक्ड बाई कानडदेव एंड कानडदेव स्नेस द रुइंड आइडल ऑफ सोमनाथ, सोमनाथ की जो खंडित मूर्ति थी वह किसने ले ली, कानडदेव ने ले ली। तो याद कीजिएगा साथियों, आपको मैंने दो सेनापति बताए थे, एक का नाम आता है उल्लू खां, और दूसरे की बात हम अगर करेंगे इसका नाम आता है नुसरत खां। क्या ये उल्लू खां और नुसरत खां आप बच्चों को याद आ रहे हैं क्या? अरे ये कहीं पर गए थे क्या, बताओ तो सही, देखें मेरे को, अरे जल्दी से जल्दी बताओ ये कहां कहीं पर गए थे क्या, कौन ये उल्लू खां और नुसरत खां, अरे कमेंट करके फटाक से बताओ नाम याद आ रहा है क्या इनका, फटाक से बताओ, देखें जल्दी से जल्दी बताएंगे, उल्लू खां और नुसरत खां कहीं पर आक्रमण करने के लिए गए थे क्या? याद करो मैंने जब आपको रणथंभौर पढ़ाया था, मैंने ये कहा था उल्लू खां और नुसरत खां आक्रमण करने के लिए गए और वहां पर नुसरत खां मारा गया था। ये वही उल्लू खां और नुसरत खां हैं जिनके नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों आपके गुजरात पर भी आक्रमण किया गया था, और जब ये गुजरात से वापस लौट रहे हैं तब कानडदेव चौहान ने आक्रमण करके मूर्ति छीन ली है। तो क्या ये उल्लू खां और नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर इसके बारे में बताएंगे या नहीं बताएंगे कि साहब हमने जाते समय तो चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ के रास्ते का प्रयोग किया और वापस आते समय हमने जालोर के रास्ते का प्रयोग किया, लेकिन जालोर के राजा कानडदेव ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम चर्चा करें, अगर हम बात करें, तो क्या यह अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण करने का एक कारण बन गया क्या, एक रीजन हो गया है क्या? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ये एक आक्रमण करने का क्या बन गया है, कारण बन गया है। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी अब क्या करेगा, आक्रमण करेगा, कहां पर करेगा, जालोर पर। जानकारी प्राप्त करें क्या उसके बारे में, जी मेरे प्यारे साथियों। तो देखिएगा इधर हम चर्चा करते हैं, इधर मैंने लिख दिया है आपके जालोर, और जालोर के समकालीन अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे तो रूलर का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। जालोर के राजा की बात हम अगर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपके कानडदेव यहां के राजा आते हैं, और इधर आपके कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। 1305 1305 ईस्वी की बात आती है, और 1305 ईस्वी में दिल्ली का शासक जो है वह अपना एक गवर्नर या अपना एक सेनापति मेरे प्यारे साथियों आक्रमण करने के लिए भेजता है, कहां पर, जालोर भेजता है। मैंने आपको यह बात बताई है, तारीख फरिश्ता के अनुसार अगर हम चर्चा करें, ये आपके तारीख फरिश्ता में ये लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए आपके यहां पर मेरे प्यारे साथियों मुल्तानी को आक्रमण करने के लिए भेजा, और यहां पर जब मुल्तानी आया तब इन दोनों के मध्य अलायंस हो गया, इन दोनों के मध्य क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। और इस संधि के तहत अगर हम चर्चा करें तो ये तो लिखता है कि ये जो संधि हुई इसके तहत जो जालोर के राजा कानडदेव हैं वो स्वयं ही कहां पर गए, दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बात किसमें लिखी है, तारीखे फरिश्ता की बात हम यहां पर लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा तारीखे फरिश्ता में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आपके मुल्तानी के नेतृत्व में जालोर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, लेकिन इन दोनों के मध्य यहां पर संधि हुई, और इस संधि के तहत कानडदेव जो थे ये स्वयं कहां पर गए, दिल्ली दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के पास। लेकिन अपने ही राजस्थान के एक प्रमुख इतिहासकार मुहूर्त नैन्सी का नाम साथियों आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, मुहूर्त नैन्सी जी इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। मुहूर्त नैन्सी कहते हैं कि कानडदेव स्वयं वहां पर नहीं गए थे, जबकि उनके बेटे जिनका नाम क्या है, वीरम देव जो हैं, वो मेरे प्यारे साथियों दिल्ली दरबार में गए थे।
लेकिन हम अभी चर्चा कर रहे हैं तारीख फरिश्ता के अनुसार, और ये तारीख फरिश्ता ये भी लिखता है, क्या मतलब तारीख फरिश्ता की बात अगर की जाएगी तो कानड़देव जो है जो आपके स्वयं दिल्ली दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां पर इनको रेस्पेक्ट नहीं मिली, वहां पर इनको सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव के सामने कुछ हिंदू विरोधी बातें कह दी, जिसके कारण आपके दिल्ली दरबार में से कानड़देव उपस्थित न होकर उनके बेटे, अगर हम चर्चा करेंगे आपके यहां पर इसी संबंध में, स्वयं दिल्ली पहुंचे और ये वापस जालौर लौट आते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया नैन्सी के अनुसार अगर बात की जाएगी, अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे लाडलो, आपके यहां पर कानड़देव जो है ये आपके अपने बेटे वीरमदेव को वहां पर दिल्ली दरबार में भेजते हैं, ये मोनोत नैन्सी ने लिखा है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, तारीख फरिश्ता के अनुसार अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वो तो ये लिखता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कानड़देव गए और वहां पर रेस्पेक्ट उनको जब नहीं मिली तो वे वापस कहां पर आ गए, जालौर आ गए। जबकि अपने मोनोत नैन्सी जी ये लिखते हैं कि साहब कानड़देव जी स्वयं नहीं गए थे, वहां पर कौन गए थे, वीरमदेव गए थे। तो वीरमदेव की तस्वीर आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी बच्चे लोगों, किस प्रकार मामला सेट हुआ उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा बहुत ही सोने राजकुमार नजर आ रहे होंगे आपको ये वीरमदेव। बढ़िया इन्होंने मूछें रख रखी हैं, बढ़िया सीने पे सुरक्षा कवच लगा रखा है, सीने में आपके गले में मोतियों का हार लगा रखा है, एक कमर पे आपके कटार रखते थे, एक कमर पे तलवार रखते थे, केश जो थे इनके लंबे लंबे बाल थे, बहुत ही सोने राजकुमार थे। नाम क्या है इनका, वीरमदेव। ये कहां जा रहे हैं अब ये वीरमदेव मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली दरबार में, कहां पर, दिल्ली दरबार की बात हम अगर करेंगे तो ये दिल्ली दरबार में जा रहे हैं। अगर ले चले क्या इनको, ये बात मोनोत नैन्सी जी कह रहे हैं, ठीक है ना, और सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे, अरे साइंस भी लग जाएगी अशोक जी, इंतजार कर भाई मेरे, सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, चिंता ना कर। बताओ अरे चलोगे क्या, साथ में चले क्या, तैयार हो क्या सारे के सारे, अरे बोलिए सारे के सारे रेडी हो क्या जी, फिरोजा से मामला सेट हो गया, अच्छा पहले ही हो गया क्या, अभी तो मैंने मामला सेट करवाया नहीं है, पहले कैसे हो गया ये सेट, चलें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जी आपको दर्शन करवाते हैं, ये देखो जी सोनी सी राजकुमारी आई है आपके सामने, और नाम क्या है इसका, ये मेरे प्यारे साथियों फिरोजा। तो जैसे ही मान लीजिए ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है, कौन है भाई, अलाउद्दीन खिलजी का दरबार है, कहानी बताता हूं आपको, सामने बैठा है कौन बैठा है, अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, ये इधर आपके सेनापति मंत्री वगैरह बैठे हैं। पहले आपको पता होगा क्या, आपके दरबार की बात हम अगर करें तो दरबार में क्या महिलाएं पहले ऊपर बैठती थी क्या, जी बिल्कुल, महिलाओं रानियों राजकुमारियों के लिए ऊपर बैठने का स्थान हुआ करता था, वो दरबार के दृश्य को देखा करती थी लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती थी, कुछ एक राजाओं के समय को छोड़कर। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री बैठी है जिसका नाम है फिरोजा, दिख रही होगी आपको, ये देखो ये बैठी है, कहां बैठी है, ये यहां बैठी है। इधर से कौन आ रहे हैं, वही जालौर के अपने सोने राजकुमार पधार रहे हैं, कहां पर पधार रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अब मैंने, मेरे को ये बताएंगे आप लोग, पहले जो दरबार हुआ करता था उसके ऊपर क्या द्वारपाल रहते थे क्या, द्वारपाल का मतलब जैसे गेट कीपर बोल दूं, जैसे अपने गार्ड होते हैं उनके अनुसार अगर हम चर्चा करें, वो दरबार में इस प्रकार भाला लिए खड़े रहते थे और अनाउंस करते थे महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज आपके दरबार में जालौर के राजकुमार वीरमदेव जी पधार रहे हैं। अरे बोलेंगे क्या, जैसे ही अनाउंस होगा सबकी नजरें इस गेट की तरफ जाएंगी, अरे जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, तो क्या इसकी नजर भी आएगी कि नहीं आएगी, किसकी नजर आएगी, फिरोजा की। ये फिरोजा ने भी देखा, किसकी तरफ देखा, वीरमदेव की तरफ देखा मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही इस फिरोजा ने वीरमदेव को देखा, पहली नजर का पहला पहला हो गया किसको, ये मेरे प्यारे साथियों फिरोजा को। फिरोजा को जैसे ही प्रेम हो गया तो फिरोजा ने इस वीरमदेव को कहा, प्लीज आप बाहर आइए, थोड़ी देर गार्डन में आपसे मुलाकात करनी है। यहां पर आकर के फिरोजा वीरमदेव जो जालौर के राजकुमार हैं इनको कहती है, विल यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो वीरमदेव जी कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
तो क्यों इंटरेस्ट नहीं है, इसके पीछे एक बात आती है, एक एक लोकोक्ति आती है, एक मैं यूं कह दूं कि एक अपने यहां पर प्रचलित दोहा आता है, और वो क्या दोहा आता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने क्या कहा कि मैं एक तुर्क महिला से विवाह नहीं कर सकता, मैं अगर ऐसा कर लूंगा तो मेरे मामा के पक्ष का जो कुल है भाटी वो लज्जित हो जाएगा, मेरा जो वंश है चौहान ये मैं इसको लजा नहीं सकता हूं। जे मैं पढ़ू तुर्कनी, मैं अगर तुर्क महिला से विवाह करता हूं ये तभी पॉसिबल है जब सूरज किस दिशा से उगे, पश्चिम दिशा से अगर सूरज उगे ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, मेरा मामला सेट नहीं होगा। तो क्या ये मेरे प्यारे साथियों आपके अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा जो है जो गार्डन में यहां पर प्रपोज कर रही थी वीरमदेव को, क्या अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्या कहेगी? अलाउद्दीन खिलजी के पास जाकर ये कहेगी, पापा पापा प्लीज, पापा प्लीज मेरी शादी करवा दो। किससे करवा दो? वीरमदेव से करवा दो। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, बेटी तू कहे उससे करवा दूं, तेरा मामला सेट करा दूं, लेकिन वीरमदेव हट करके बैठा है, जिद करके बैठा है, ये कहता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो क्या करूं? तू और किसी भी राजकुमार का नाम ले दे, मैं उससे शादी करवा दूंगा। लेकिन ना, मैं तो शादी करूंगी तो करूंगी किससे? वीरमदेव से ही करने वाले हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, किसने? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपके मैसेज भिजवाया गया, संदेश भिजवाया गया कानरदेव के पास, और ये कहा गया कि आपके बेटे वीरमदेव को मेरी लड़की फिरोजा पसंद करती है, क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें, क्यों ना इन दोनों की क्या करवा दी जाए, शादी करवा दी जाए। तो मेरे प्यारे लाडलो, शादी करवा दी जाए। तो ये प्रपोजल जो है ये शादी का किसके पास भिजवाया? कानरदेव के पास प्रपोजल भिजवाया गया, लेकिन कानरदेव ने अपने बेटे जिनका नाम क्या है वीरमदेव, इनको वापस कहां बुला लिया? जालोर बुला लिया। अर्थात अलाउद्दीन के द्वारा दिया गया जो आपके मैरिज का प्रपोजल था, अपनी बेटी फिरोजा के लिए वैवाहिक संबंध का जो प्रस्ताव भिजवाया था, उसको कानरदेव जी ने स्वीकार नहीं किया और अपने बेटे वीरमदेव को वापस कहां पर बुला लिया? जालोर बुला लिया। तो क्या अलाउद्दीन खिलजी को अब वापस से गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? अरे आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मुकेश खंडेलवाल जी नमस्कार, पिताजी प्लीज। अच्छा जी, रघुनाथ सिंह जी बिल्कुल कह रहे हैं तुर्कनी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शेयर कर दो, बस एक बार आप लाइक और शेयर कर दो, जितने बच्चे हो अभी सब ने लाइक भी नहीं ठोका, लाइक और शेयर करो देखें एक बार फटाक से। तो मैंने ये कहा है कि क्या कहा आपको, मैंने कहा आपके ये भाटी राजवंश इनके ननिहाल था, मामू लाजे भाटियां कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भाण, में ये तभी संभव हो पाएगा जब पश्चिम दिशा से अगर सूरज उगे तो मैं विवाह कर लूंगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां तक मामला आपका जोरदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, सेट हो गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई चिंता मेरे प्यारे साथियों आपको नहीं होनी चाहिए जी। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, जब ऐसा हुआ तो ये कानरदेव प्रबंध के लेखक आते हैं जिनका नाम आता है बच्चों आपके पद्मनाभ, और पद्मनाभ की पुस्तक कानरदेव प्रबंध से हमें जालोर के इतिहास की जानकारी भी प्राप्त होती है। तो ये लिखते हैं कि जब ऐसा हुआ कि वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं किया गया, तो भैया पद्मनाभ के अनुसार ये लिखा गया है, फिरोजा अपने इस दस्ते के साथ में स्वयं कहां पर आती है? जालोर आती है। फिरोजा स्वयं ही जालोर पहुंच गई, किसको मनाने के लिए? कानरदेव जी को, कि आप अपने बेटे का विवाह मेरे से प्लीज करवा दीजिए ना। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा कानरदेव प्रबंध के अनुसार स्वयं फिरोजा जालोर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन वैवाहिक संबंध को स्वीकार नहीं किया जाता है। कानरदेव जी ने उनका उसका भव्य स्वागत किया, ये कहा कि तो आराम से रह ले यहां पर, तेरी अच्छी खासी सेवा करेंगे, लेकिन ये विवाह वाला मामला जो है ये सेट नहीं होगा। इसीलिए ये मेरे प्यारे साथियों, फिरोजा वापस कहां चली गई? दिल्ली चली जाती है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया है ना, गाना सुना होगा, अपने मोटी मोटी आंखियों में आंसू दे गया। ये मेरे प्यारे साथियों वहां पर उदास बैठी रहती,
तब इस फिरोजा की एक ढाई माँ आती है और जिसका नाम आता है गुलबिहिस। क्या नाम है? अगर हम चर्चा करेंगे पद्मनाभ अर्थात कानरदेव प्रबंध में ही ये लिखा है कि इस फिरोजा की ढाई माँ गुलबिहिस ने भी जालोर के ऊपर अटैक किया, लेकिन ये क्या रहा? असफल रहा। मैंने कहा अकॉर्डिंग टू द कानरदेव, आपके कानरदेव प्रबंध के अनुसार अगर चर्चा करें, फिरोजा हरसेल्फ रीच्ड जालोर, या सी वॉज गिवन ए ग्रैंड वेलकम, बट द मैरिज रिलेशनशिप वॉज नॉट एक्सेप्टेड। वैवाहिक संबंध को स्वीकार यहां पर नहीं किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पद्मनाभा, पद्मनाभ के अनुसार अगर हम चर्चा करें, फिरोजाज धाय मदर गुलबिहिस आल्सो अटैक जालोर, इसके द्वारा भी जालोर पर अटैक किया गया, लेकिन ये क्या रहता है? ये असफल रहता है। अर्थात मेरे प्यारे साथियों, ये आक्रमण भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट यहां पर? दंडाधिपति कह रहे वीरमदेव ने सोमरस की बारिश करवा दी जालोर में। अच्छा जी, मामला सेट हो गया होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी अब फिर से वापस से क्या करेगा? आक्रमण। आक्रमण के रीजन कितने बता दिए हैं अभी तक? दो रीजन मैंने आपको बताए। मैंने एक तो रीजन ये बताया था, क्या बताया? मैंने ये बताया मेरे प्यारे साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात से जब लौट रही थी तब उसके ऊपर अटैक किया गया। दूसरा रीजन हमने ये कहा है कि शादी का, वैवाहिक संबंध का प्रस्ताव यहां पर भेजा गया, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। मामला सेट है क्या? चले क्या फिर आगे? चलेगा। अब देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे प्यारे साथियों 1308 में जालोर पर अटैक न करके सिवाना पर अटैक किया। जालोर पर अटैक न करके कहां पर किया? सिवाना पर। अब ये सिवाना कहां पर है? ये दुर्ग तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, यही आपका सिवाना दुर्ग आता है। और ये सिवाना मेरे प्यारे साथियों आपके पड़ता है बाड़मेर में। कहां पर है? वर्तमान आपके बाड़मेर में आता है। और ये जो आपको पहाड़ी यहां पर दिखाई दे रही है, इसकी बात हम अगर करेंगे तो इसका नाम आता है मेरे बच्चों आपके हल्देश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर की पहाड़ी पर आपके बाड़मेर में ये फोर्ट बना हुआ है, सिवाना दुर्ग आपका बना हुआ है। और अगर हम चर्चा करेंगे इस सिवाना दुर्ग पर अधिकार जो था, यह साथियों आपके जालोर के राजा का ही था। जालोर के रूलर कौन है? ये आपके हैं इस समय कानरदेव चौहान। और कानरदेव चौहान का ही अधिकार मैंने कहां पर बताया है? सिवाना पर। और इसी सिवाना को कहा जाता है आपके जालोर दुर्ग की कुंजी। क्या कहते हैं? जालोर दुर्ग की कुंजी से कहा जाता है। और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी इसे कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ के जो कई प्रतापी शासक, जैसे मालदेव की बात हम अगर करें, जैसे चंद्रसेन की बात हम अगर करें, जब भी मारवाड़ के ऊपर संकट आया तो इन राजाओं के द्वारा मेरे प्यारे साथियों इसी सिवाना दुर्ग में ही शरण ली गई थी। कौन से दुर्ग में? सिवाना में। इसीलिए मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली से कहा जाता है। दूसरा मैंने आपको यह बताया है कि इस सिवाना के फोर्ट पर अधिकार जो है ये जालोर के राजा कानरदेव का है। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी पहले सिवाना पर आक्रमण करता है, कहां पर अटैक करता है? सिवाना पर। तो सिवाना से जालोर पर अटैक करने में उसको आसानी रहेगी। दूसरी बात, अगर अलाउद्दीन का इस सिवाना के फोर्ट पर अधिकार हो जाता है तो आपके यहां पर जालोर राज्य की जो सीमाएं इस सिवाना दुर्ग से सुरक्षित हैं वह भी कमजोर पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? अरे पड़ेंगी ना, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने पहले आपके जालोर पर अटैक न करके कहां पर अटैक किया? सिवाना पर। है कहां पर? बाड़मेर में। कौन सी पहाड़ी है? आप कहेंगे हल्देश्वर की पहाड़ी है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली। साथ ही साथ बात अगर की जाएगी आपके यहां पर, इसे ही जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। सर आप जयकांत को जानते हो क्या? जयकांत सिकरे की बात कर रहे हो क्या आरती जी? जयकांत सिकरे, अच्छा जयकांत, वो कहीं आप वो तो चर्चा नहीं कर रहे हो। बाजीराव तू यहाँ आया नहीं है, तुझे बुलाया गया है ना? ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा सिवाना पर अटैक मेरे प्यारे साथियों अब किया जाएगा। उपनाम इसके मैंने आपको बताए दिए हैं, ये मैंने आपको बताया कि ऑफ जालोर फोर्ट अर्थात जालोर दुर्ग की कुंजी, मैंने आपको बताया द रिफ्यूज ऑफ द किंग्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राजाओं की ये शरणस्थली भी कहलाता है।
अब अटैक मेरे प्यारे साथियों यहां पर होने वाला है, कहां पर होने वाला है, ये सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1308 1308 ईस्वी की बात आती है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया था इस दुर्ग के ऊपर अर्थात सिवाना फोर्ट के बारे में हम चर्चा मेरे प्यारे साथियों कर रहे हैं। मैंने ये कहा कानरदेव हैज हैड अथॉरिटी ओवर दिस फोर्ट, इस दुर्ग पर उनका अधिकार था, तथा यहाँ का प्रबंधक कानरदेव का भतीजा शीतल देव था। इट्स मैनेजर वाज कानरदेव्स नेफ्यू शीतल देव, शीतल देव यहाँ का प्रबंधक था। जब अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर अटैक हुआ तो सिवाना का मैनेजर या कमांडर या फिर मैं यूं कह दूं दुर्ग का प्रबंधक कौन है, कानरदेव के भतीजे का नाम क्या है भैया, शीतल देव। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, इस अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में, अलाउद्दीन का एक कमाल का गुर्गा था, जहां भी जाता था कमाल करके आता था, और इसको भेजा गया है साथियों आज कहां पर भेजा गया है, ये आपके भेजा गया है जी सिवाना आक्रमण करने के लिए। अब जब आपके कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना यहां पर आक्रमण करने के लिए आई, सिवाना दुर्ग का चारों तरफ से घेराव कर लिया गया और यहां की चौहान सेना ने निरंतर अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, भावले पवार द जनरल ऑफ शीतल देव कमिटेड टेरिटरी, मतलब इसके द्वारा क्या कर दिया गया, आपके इस भावले पवार ने विश्वासघात कर दिया और विश्वासघात करके आपके यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की जो कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में सेना आई है, इसने विश्वासघात करके इस कमालुद्दीन गुर का क्या दे दिया, साथ दे दिया। किसने, भावले पवार, जो सेनापति है किसका, शीतल देव का। जब शीतल देव और उनके बेटे सोम को इसके बारे में पता लगा, क्योंकि इस भावले पवार ने इस सिवाना फोर्ट का जो पेयजल था, पीने का जो पानी था, उसमें गोरक्त मिला दिया था, जिसके कारण दुर्ग के अंदर पीने के पानी की कमी भी हो गई, साथ ही साथ आपके यहां पर कई दिनों तक इस दुर्ग का घेराव जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किया है तो इस दुर्ग के अंदर खाने पीने के सामान की भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण यहां पर शीतल देव और उनके बेटे सोमदेव के बारे में अगर हम चर्चा करें, अंडर द लीडरशिप ऑफ शीतल देव एंड हिज सन सोमदेव, मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर क्या किया जाता है, ये आपके केसरिया किया गया। जोहर वाज कमिटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ आपके केसरिया नहीं, अंडर द लीडरशिप ऑफ क्वीन मेनादे, मेनादे के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों यहां पर आपके जोहर होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया शीतल और उनके बेटे सोमदेव के नेतृत्व में क्या किया जाता है, आपके यहां पर केसरिया किया जाता है। केसरिया का मतलब मैंने आपको कल बताया ही था, केसरिया रंग का साफा या बाना बांध करके युद्ध के मैदान में शीतल और सोम के नेतृत्व में आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना से तब तक युद्ध किया गया जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। साथ ही साथ मेनादे के नेतृत्व में दुर्ग में जो भी महिलाएं थी उन्होंने अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, ये जोहर कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ 1308 का जो अटैक आता है, 1308 ईस्वी का अलाउद्दीन जी का जो अटैक था, उस अटैक में शीतल और सोम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर सिवाना दुर्ग में मेरे प्यारे साथियों साका हो जाता है और इस सिवाना का नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी रख देता है आपके खेराबाद, और इसका प्रबंधक जो है ये बना दिया जाता है बच्चों आपके कमालुद्दीन गुर को। किसको बना दिया गया, कमालुद्दीन गुर को, मेरे प्यारे लाडलो, आपके यहां पर इस दुर्ग का प्रबंधक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बना दिया जाता है। तो देखिएगा जी, हम अगर चर्चा करें, सर जी कल आपने संयोगिता की कहानी नहीं बताई, कहानी पूरी सुनाया करो तभी इसी पढ़ने का मजा आज की तरह। अरे भाई अशोक, वो संयोगिता की कहानी यहां पर कहां लेके आ रहे हो, कल तो हम रणथंभौर पढ़ रहे थे, वो तो अजमेर में आएगी, अजमेर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है बच्चे, ठीक है ना, मामला मैं सेट कर दूंगा, बस आप लाइक और शेयर करते रहेंगे। अब देखिएगा, मैंने ये कहा है मेरे प्यारे बच्चों आपके इस दुर्ग का प्रबंधक जो था अलाउद्दीन अपॉइंटेड कमालुद्दीन गुर्ग एज द मैनेजर ऑफ दिस फोर्ट, इस दुर्ग का प्रबंधक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कमालुद्दीन दुर्ग को गुर्ग को बना दिया गया और चेंज द नेम ऑफ दिस फोर्ट एज खेराबाद, इस दुर्ग का नाम बदल करके मेरे प्यारे साथियों क्या रख दिया जाता है, खेराबाद रख दिया जाता है। इस प्रकार अगर हम चर्चा करें तो आपके यहां पर
इस दुर्ग पर, शिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में साथियों किसका अधिकार हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। नाम बदल दिया जाता है, क्या रख दिया गया? आपके खेराबाद। अब मुझे ये बताएंगे, शिवाना पर जब आपके अधिकार होगा तो क्या अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ये देखेगी कि हम जालोर के ऊपर भी क्या कर दें, अटैक कर दें? तो शिवाना से आपके लीडर यहां से आया जिसका नाम आता है मलिक नाइब। क्या नाम है? मलिक नाइब की बात हम अगर करें, आफ्टर द कैप्चर ऑफ शिवाना द आर्मी एडवांस्ड टुवर्ड्स जालोर अंडर द लीडरशिप ऑफ मलिक नाइब। मलिक नाइब के नेतृत्व में मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी की सेना कहां की ओर आई? जालोर। जालोर के राजा कौन है? कानड़देव हैं क्या? जी बिल्कुल कानड़देव हैं। कानड़देव के बेटे का नाम है आपके वीरमदेव। क्या नाम है? वीरमदेव। और इन्हीं के भाई हैं जिनका नाम आता है मालदेव। इन दोनों की लीडरशिप में आपके जालोर की आर्मी गई और इनके द्वारा आपके यहां पर क्या कर लिया गया? एक कमांडर और था अलाउद्दीन का जिसका नाम आता है शम्स खां, इसको कैद कर लिया गया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस यहां से पीछे हट जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस यहां से भाग जाती है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा शिवाना पर जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, इस शिवाना का नाम बदल करके आपके खेराबाद रख दिया गया था, कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की सेना किसकी लीडरशिप में? मलिक नाइब की लीडरशिप में आपके जालोर की तरफ बढ़ी, लेकिन जालोर के राजा कानड़देव ने वीरमदेव और मालदेव के नेतृत्व में सेना को भेजा, जिन्होंने शम्स खां नामक एक अधिकारी आपके अलाउद्दीन का था उसको कैद कर लिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहां से वापस चली जाती है। और इसे ही कहा जाता है बैटल ऑफ मलकाना, अर्थात मेरे प्यारे साथियों आपके मलकाना का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मलकाना का युद्ध। अर्थात मैं यूं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि आपके मलकाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की पराजय हो जाती है और यहां पर मेरे प्यारे साथियों आपके जो जालोर के शासक कानड़देव चौहान है उनकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। क्लियर है क्या मामला? यहां तक अगर सेट है तो आप एक बार थम्स अप करके मुझे बता देंगे कि हाँ जी बिल्कुल एकदम यहां तक क्लियर हो गया है। चलेंगे, बताइएगा, देखें फटाक से बता देंगे। हाँ जी कार्तिक शर्मा जी राम राम नमस्कार, कालू राम जी नमस्कार, सभी साथी यहां तक मुझे बता देंगे क्लियर है क्या, थम्स अप कीजिएगा। देखें उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा जी आगे शुरुआत करते हैं। अब जो 1311 ईस्वी का अटैक हुआ था उसके बारे में, 1311, क्योंकि शिवाना पर तो अधिकार 1308 में ही हो गया था। इसके बाद जालोर की तरफ अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी गई लेकिन वहां पर पराजय का सामना करना पड़ा। इस बार अगर हम देखें तो मेरे प्यारे साथियों आपके यहां पर 1311 की बात हम कर रहे हैं। इस बार अटैक जो है ये कहां पर होगा? ये जालोर पर होगा। चले क्या जी, तो देखिएगा इधर मैं लिख देता हूं जालोर। जालोर के रूलर, जालोर के शासक कौन है जी? कानड़देव चौहान। इधर मैं लिख देता हूं दिल्ली, और दिल्ली का राजा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने वही कमांडर यहां पर भी अटैक करने के लिए भेजा है जिसका नाम है जी कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम है? अरे बोलो, कमालुद्दीन गुर्ग की बात हम अगर करेंगे, इसी की लीडरशिप में 1311 में 1311 ईस्वी में मेरे प्यारे साथियों आपके जालोर के ऊपर क्या किया गया? अटैक किया जाता है। और यहां पर कानड़देव के बेटे पुत्र की बात हम अगर करेंगे, इनके पुत्र का नाम क्या आता है? वीरमदेव नाम आता है। वीरमदेव वही हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए थे क्या, जिनसे फिरोजा शादी करना चाह रही थी क्या? जी बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी तो कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा आपके यहां पर जालोर का घेराव कर दिया गया और यहां पर जालोर के राजा कानड़देव जो हैं, इनका एक कमांडर है, इनका एक सेनापति है जिसका नाम आता है दया बीका। क्या नाम है? दया बीका। अब आपने एक दोहा सुना होगा, राई रा भाव रातों बीता, राई के भाव तो रात को ही गए। जब अलाउद्दीन के आक्रमण की खबर जालोर के राजा को लगी थी तो उन्होंने जालोर की सुरक्षा के लिए जालोर दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार का निर्माण करवाया, लेकिन अलाउद्दीन की सेना पहले ही वहां पर पहुंच गई, जिसके कारण एक जालोर दुर्ग के दीवार का कुछ हिस्सा जो है
वह राई मिट्टी और गोबर से मिला करके बनाया गया, अर्थात तो वह कमजोर हिस्सा था। इस बात का पता केवल विश्वसनीय सरदारों और राजा को ही था कि दुर्ग का वह कौन सा हिस्सा है जो कमजोर है। जब इस दीवार का निर्माण आपके राई मिट्टी और गोबर से करवाया जा रहा था, तब मार्केट में राई के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए, अर्थात जो मुंह मांगी कीमत कोई व्यापारी मांग रहा था उसको राई के मोल उतना ही दिया जा रहा था। यहां पर मेरे प्यारे लाडलो, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जब सेना आई है, जालोर दुर्ग का घेराव करके बैठी है, काफी लंबा घेराव जब यहां पर चला तो दैया बीका को बातचीत करने के लिए भेजा गया कमालुद्दीन गुर्ग के पास। तो इस दैया बीका के द्वारा जब आपके कमालुद्दीन गुर्ग से बात की गई, तो कमालुद्दीन गुर्ग ने दैया बीका को कहा, कहां सेनापति बन के घूम रहे हो, राजा ही बन जाओ ना, आप हमारी मदद ही कर दो, हमें इस दुर्ग में प्रवेश ही करवा दो, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हम आपको ये दुर्ग सौंप करके चले जाएंगे। तो इस दैया बीका को दुर्ग की कमजोर दीवार के हिस्से का पता था क्या? इसने बोला कि वो हिस्सा कमजोर है, उसको तोड़ो और अंदर प्रवेश कर जाओ। बात सही कह रहा है क्या? क्योंकि इसको पता है, इसका मतलब ये लालच में आ गया है। इस कमालुद्दीन गुर्ग ने इस दैया बीका को लालच दिया, जिसके कारण इसने इस दुर्ग का गुप्त रास्ता मतलब कमजोर हिस्सा जो था वो बता दिया। जब इस बात का पता कानरदेव को लगा तो कानरदेव के नेतृत्व में यहां पर क्या किया गया? केसरिया किया जाता है। अर्थात मैं यूं कह दूं मेरे प्यारे साथियों, आपके यहां पर कानरदेव का जनरल जो है दैया बीका, इसके द्वारा यहां पर अलाउद्दीन की साइड ली गई, अलाउद्दीन का पक्ष लिया गया, गुप्त मार्ग बता दिया गया। तो जालोर के राजा कानरदेव के नेतृत्व में केसरिया किया गया। और इनकी रानी की बात हम अगर करें, जिनका नाम आता है साथियों जेतल, जेतल के नेतृत्व में यहां पर क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। इस प्रकार 1311 ईस्वी की बात हम अगर करें, पृथ्वीराज चौहान वाज राजपूत और गुजर, ये अंकुर जी आपका बड़ा अजीब सा सवाल है भाई, कल अजमेर के चौहान पढ़ने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा जी, आगे बढ़ते हैं। अब जब मेरे प्यारे साथियों दैया बीका ने विश्वासघात कर दिया, तो हा कानरदेव के नेतृत्व में क्या हुआ है? ये मेरे प्यारे साथियों यहां पर केसरिया हुआ है। और साथ ही साथ बात अगर की जाएगी आपके यहां पर रानी जेतल की बात हम अगर करें, तो रानी जेतल के नेतृत्व में क्या होता है? जोहर मेरे प्यारे साथियों यहां पर होता है। अर्थात 1311 ईस्वी में इस जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हो जाता है, और अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का नाम बदल करके मेरे प्यारे साथियों जलालाबाद रख दिया था। अलाउद्दीन चेंज द नेम ऑफ दिस फोर्ट टू जलालाबाद एंड अपॉइंटेड कमालुद्दीन गुर्ग एज इट्स मैनेजर। अर्थात जालोर के राजा कानरदेव जो हैं, जो केसरिया धारण किए हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे, युद्ध के मैदान में जब जाते थे तो केसरिया रंग का साफा या बांधा धारण करके युद्ध के मैदान में तब तक युद्ध करते रहते थे जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाए, ठीक है ना। मेरे फेवरेट सर आपको प्रणाम, मैं मनीष श्री गंगानगर से आपसे बात की थी। अच्छा जी, सेकेंड ग्रेड के लिए कब से लेंगे कोर्स? जी बिल्कुल जल्दी ले लेंगे मनीष कुमार जी, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां तक मामला सेट हुआ है क्या? लाइक और शेयर नहीं करते, बस कमी इतनी सी है। कल तो बोल रहे थे, डिंगे हाँक रहे थे, बोला गुरु जी 300 ले आएंगे, 500 ले आएंगे, जल्दी 1000 भी कर देंगे, ऐसे कैसे मामला सेट होगा? सबको बता तो दो अपने मित्रों को कि मेरी क्लास यहां पर होती है रेगुलर 5 से 6, जल्दी एक मैराथन आपके लिए लेके आ रहा हूं। क्यों लेके आ रहा हूं? ये सब आपके लिए तो किया जा रहा है, मैराथन प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगा बहुत सारे, मजा आ जाएगा, मामला सेट हो जाएगा। जल्दी जिला दर्शन भी आपके लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा, प्रत्येक जिले का जिला वाइज दर्शन आपको इतना बेहतरीन तरीके से करवाया जाएगा कि कहीं भी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लाइक और शेयर ठोकते रहो जी। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया है जालोर दुर्ग का नाम बदल करके क्या रख दिया है? जलालाबाद। जल्दी से मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जब हमने 1308 ईस्वी के सिवाना आक्रमण की बात की थी तो सिवाना दुर्ग का नाम बदल करके क्या रखा गया था? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएंगे। देखें कौन सा बच्चा सबसे पहले बताता है, फटाक से बताओ। देखें हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। मेहता की तरफ से भी राम राम जी, बिल्कुल राम राम, नमस्कार।
मेहता जी, जल्दी से फटाक से बताओ, कमेंट करके बताओ। देखें, शिवाना का नाम बदल करके क्या रखा है यार, आप बोल ही नहीं रहे हो। इतनी देर में तो कमेंट आ जाने चाहिए थे। शिवाना दुर्गा नाम बदल करके क्या रखा गया? जालोर का तो नाम मैंने आपको बता दिया है, जलालाबाद रखा गया। जी बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, निमाना, स्मृति कुमारी जी, कृतम चंद, पुरुषोत्तम जी, बिल्कुल ठीक है। और उमेश, सभी बच्चों का बिल्कुल खेराबाद इस ये आंसर आ रहा है। शिक्षा नगरी गंगापुर सिटी से बिल्कुल नमस्कार, राम राम। खेराबाद नाम रख दिया गया है। और दुर्ग का प्रबंधक वहां पर भी कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग ही था। और यहां पर भी कौन है? कमालुद्दीन गुर्ग को ही इस दुर्ग का प्रबंधक बनाया गया। अब हमें इसके बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, इसके बारे में भी चर्चा मेरे प्यारे साथियों हम यहां पर करने वाले हैं। हाँ जी, चलेंगे। देखिएगा, राई रा भाव रातो बीता कहावत जालोर दुर्ग के लिए है। बहुत बार ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से पूछ लिया जाता है। इस बार एसआई का एग्जाम जो हो उसमें पद्मनाभ की पुस्तक जो आती है कानड़दे प्रबंध, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एसआई के एग्जाम में पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स की बात हम अगर करें, वीरमदेव सोनग्रारी बात, ये भी आपके पद्मनाभ की ही पुस्तक आती है, राई रा भाव रातो बीता। तो जब जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था, तब एक आदमी अगले दिन मार्केट में राई बेचने के लिए, बोला आज राई का क्या माहौल है, आज राई का क्या भाव चल रहा है। तब ये बात आई, बोला राई के भाव तो रात को ही चले गए, राई रा भाव रातो बीता। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का मामला आपका। अगर हम चर्चा करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का, ये जो पोर्शन राजस्थान इतिहास का ये सफर जो हमने प्रारंभ किया है, यूं ही अपना ये सफर जारी रहेगा। आप हमेशा सकारात्मक जरूर रहेंगे, मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, जोरदार रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। साथ ही साथ बेहतरीन तैयारी मेरे प्यारे साथियों आप लोग निरंतर करते रहेंगे। अगर आप सकारात्मकता के साथ मेरे साथ यूं ही जुड़े रहे, हमारे ये 5 से 6 का जो शो आपके लिए राजस्थान इतिहास का आता है, ये कड़ी निरंतर मेरे प्यारे साथियों आप सभी साथियों के लिए जारी रहेगी। तो आप आज के इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर वेयर करते ही नहीं होंगे, हर जगह आप स्टेटस लगा लीजिएगा, फेसबुक पे आप शेयर कर दीजिएगा, या फिर जहां भी आप किसी भी इंस्टाग्राम ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, सबको बता दीजिएगा, राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मामला यहां सेट करवाया जाता है डेली 5 से 6। जल्दी एक मैराथन सेशन आपके लिए, आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए, साथ ही साथ जिला दर्शन भी जल्दी आपके लिए प्रारंभ कर दिया जाएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, जोरदार रहिएगा, जबरदस्त रहेगा। खम्मा घणी साहब, मेरी तरफ से लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को और शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी कर लीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।